डे थ्री सिडनी टेस्ट टी के बाद जो खेल चल रहा था, एक विकेट भारत को मिल गया कुलदीप यादव ने टिम पेन का, ऑस्ट्रेलिया के कप्तान को आउट किया, पर बैड लाइट के चलते खेल रुक गया है। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर फिलहाल 236 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स है। अभी भी काफ़ी पीछे हैं वो इंडिया के पहले इनिंग्स के स्कोर से। फॉलो ऑन के लिए उनको करीबन ऑलमोस्ट जस्ट अंडर 200 रन्स हैं जो चाहिए फॉलो ऑन बचाने के लिए। जहाँ तक वेदर फोरकास्ट की बात थी, आज वैसे भी प्रिडिक्शन था कि बारिश होगी। वेस्टर्न सिडनी में अगर हम देखें तो बारिश की वजह से बिग बैश का गेम जो है वो पोस्टपोन हो गया। इस वजह से ये प्रिडिक्शन तो थी कि बारिश होगी, फिलहाल बारिश नहीं आई है सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पे, पर बैड लाइट की वजह से जो खेल रुका है वो शायद डिले और बढ़ जाए, क्योंकि पूरी तरीके से आशंका है सिडनी ग्राउंड से जो हम सुनने को मिल रहा है। ग्रे कवर है क्लाउड्स का और इस वजह से बारिश बहुत जल्दी वहाँ आएगी। इंडिया वैसे काफ़ी कमांडिंग पोजिशन में है, दो दिन का खेल बचा हुआ है, 6 विकेट ऑस्ट्रेलिया के गिर चुके हैं। पीटर हैंस्कम पैट कमिंस के साथ बैटिंग कर रहे हैं और अगर देखा जाए तो वैसे तो ऑस्ट्रेलिया की जो लोअर ऑर्डर है, टेल है, उन्होंने ही इस सीरीज़ में सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं। पर इस सीरीज़ में एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात हुई है, इंडिया तो ऑफकोर्स अगर जीतती है तो हिस्टोरिक सीरीज़ विन होगी। हम आपको कह रहे हैं जिस दिन से ये सीरीज़ शुरू हुई है कभी भी ऑस्ट्रेलिया में हारे नहीं है, लेकिन ऐसा पहली बार होगा कि ऑस्ट्रेलिया अपने घर पर 4 टेस्ट मैचों की सीरीज़ में कोई भी बैट्समैन ने 100 रन्स नहीं बनाए, सेंचुरी किसी भी बैट्समैन की नहीं हुई है। आज मार्कस हैरिस के पास अपॉर्चुनिटी थी पर अनफॉर्चुनेटली वो भी काउंट नहीं करवा पाए। तो जहां तक बात है, वैसे भी विराट कोहली अपने पेसर्स को नहीं ला पा रहे थे बोलिंग करने के लिए, क्योंकि लाइट काफ़ी कम थी, अंपायर्स ने मना कर रखा था। कुलदीप यादव बोलिंग कर रहे थे, स्पिनर्स बोलिंग कर रहे थे, लेकिन उसके बाद प्लेयर्स ऑफ द फील्ड चले गए हैं। फिलहाल का अपडेट यही है, लाइट काफ़ी ख़राब है, बारिश की आशंका है, पर जहां तक इंडिया को देखा जाए तो वो टेस्ट मैच और सीरीज जीतने के बहुत ही करीब है।